वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आज आई हूँ संडे स्पेशल एक रेसिपी लेकर। ये बिरयानी जैसा दिखता है लेकिन इसका नाम है चिकन तिहाड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 टेबलस्पून सरसों तेल ली हूँ, उसमें दी हूँ 2 तेजपत्ता और 2 इलायची। इसको अच्छे से भूनना है। ये रेसिपी पूरा सरसों तेल में बनता है। जब इसमें से खुशबू आएगा तब देना है 2 मीडियम साइज ऑनियन जो मैं पहले से चॉप्ड करके रखी हूँ। इसको अच्छे से भून लेना है। जब प्याज में गोल्डन कलर आ जाएगा तब देना है 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अभी मसालों को अच्छे से भूनना है। चिकन तिहाड़ी देखने में बिरयानी लगता है लेकिन इसका टेस्ट अलग है। अभी देना है 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये आप लोग जितना तीखा चाहते हैं उसी के हिसाब से दीजिएगा। इसमें तीखा भी होता है और कलर भी आता है। अभी दे रही हूँ चिकन। मसाला को भून लेना है और एक बार। अभी चिकन के साथ मसाला को मिक्स करना है। मैं चिकन के साथ नमक लगा के रखी थी। अभी दे रही हूँ 1/2 कप दही। दही को पहले अच्छे से फेंट लेना है। फिर से मिक्स करना है। मीडियम फ्लेम यूज करके चिकन को कुक करना है। देखिए मसाला पक रहा है। अभी इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है। गरम पानी देना है, 1/2 कप के आसपास पानी देना है। मीडियम फ्लेम यूज करके 30 मिनट के लिए कुक करना है। बीच में 1-2 बार चेक भी करना है। आप लोग चाहे तो चिकन का पीस छोटा भी कर सकते हैं, उसमें जल्दी बन जाएगा। देखिए चिकन रेडी हो गया है। अभी हम लोग चावल बना लेंगे। 2 टेबलस्पून सरसों तेल दे रही हूँ। तेल गरम हो चुका है। अभी इसमें दे रही हूँ 6-7 लौंग, 6-7 गोलकी और थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा। इसको भून लेना है। जब इससे खुशबू आने लगेगा तब देना है चॉप्ड ऑनियन। 1 मीडियम साइज प्याज ली हूँ मैं। इसको हल्के से भून लेना है। मैं यूज कर रही हूँ बासमती राइस। इसको 1/2 घंटा पानी में भिगो के रखी थी। अभी चावल को दे दी हूँ प्याज के ऊपर। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है। अभी चावल को थोड़ा भून लूंगी। मैं 500 ग्राम चावल ली हूँ। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी नॉर्मल वाटर दे रही हूँ। इसमें पानी का क्वांटिटी सही रखना है। 1 कप चावल में 2 कप पानी देना है। अभी दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। मीडियम टू हाई फ्लेम यूज करना है। देखिए बॉयल आ चुका है। अभी दे रही हूँ 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और 1 टीस्पून रोज वाटर। देखिए जब पानी इतना सा रह जाएगा तब लो फ्लेम करना है और इसके ऊपर चिकन ग्रेवी को दे देना है। हल्का हाथों से मिक्स कर लेना है, नहीं तो चावल टूट जाएगा। धीरे धीरे इसको मिक्स कर लेना है। अभी लो फ्लेम यूज करके इसको कुक करना है। ये बहुत झटपट बनकर रेडी हो जाता है। ऊपर में बीच में से कटा हुआ हरी मिर्च देना है। इससे हरी मिर्च का फ्लेवर आता है। और 10 मिनट कवर करके कुक करना है, लेकिन बीच में चेक भी करना है। देखिए ये बनके रेडी हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी घर में बनाइए, सबको खिलाइए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। रायता और सलाद के साथ इसको सर्व कीजिए। और मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।